हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका गौर वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस तो हम लोग रेस्टोरेशन ट्रेजडी कर रहे थे एंड इसमें हमारे अभी सिर्फ दो राइटर बाकी हैं करने एक तो अल्कना सेटल एंड द लास्ट वन इज़ जोन क्राउन तो दोनों ही राइटर को हम आज पढ़ लेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अलेक्ज़ेंडर पोप के बारे में बात कर पाएँ ओके और आज हम रेस्टोरेशन ट्रेजडी को कम्प्लीट कर लेंगे अल्कना सेटल के बारे में पहले बात करते हैं इनका लाइफ स्पैन रहा है 1648 फोर्टी एट टू सेवनटीन ये इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट रहे हैं इनकी जो फर्स्ट ट्रेजेडी प्रोड्यूस हुई थी वो थी 1667 में और उस ट्रेजेडी का नाम क्या था कैम्बाइसिस किंग ऑफ परसिया फिर इन्होंने 1673 में एक और ट्रेजेडी लिखी एम्प्रेस ऑफ मोरोको ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्क रहा क्योंकि इस वर्क के बाद ड्राइडन ने अल्कना सेटल पर अटैक किया बाय राइटिंग एन एब्यूज पैम्फलेट एम्प्रेस ऑफ मोरोको एलकना सेटल ने 1673 में प्रोड्यूस की थी एम्प्रेस ऑफ मोरोको को दो बार वाइट होल में परफॉर्म किया गया और ये वर्क काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा एल्कना सेटल को पॉलिटिकल व्यूज़ देना भी काफ़ी अच्छा लगता था एंड ही वॉज़ इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एज वेल बट जैसे ही इन्होंने 1691 में सिटी पॉइंट की पोजीशन को ऑक्यूपाई किया उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल व्यूज़ को देना बंद कर दिया एंड इन्होंने टोटली पॉलिटिक्स से कट ऑफ कर लिया था वेन एल्कना सेटल रोट द एम्प्रेस ऑफ मोरोको इन सिक्सटीन सेवेंटी थ्री आफ्टर दैट Dryden wrote an abusive pamphlet against Empress of Morocco that was written by uh, Elkanah Settle. तो so, Dryden ने ये abusive pamphlet अकेले नहीं लिखा था, he took the help of John Crown and Thomas Shadwell. तो so, इस abusive pamphlet का नाम क्या है? ये आपको याद रखना है, Notes and Observation on the Empress of Morocco. और इन्होंने इस work को produce किया 1674 में. ओल हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं जब हमने ड्राइडन के बारे में एंड थॉमस शेडवेल के बारे में पढ़ा था हमने इसको अच्छे से समझा था वहाँ पर भी पर यहाँ पर आपकी रिविज़न हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा पढ़ने में जब ड्राइडन ने इस एब्यूजिव पैम्फलेट को प्रोड्यूस किया उस टाइम पर सेटल भी कहाँ चुप रहने वाले थे उन्होंने भी रिप्लाई किया तो एल्काना सेटल ने इस वर्क के ये जो एब uh, पैम्फलेट है ना इस वर्क के अगेंस्ट अल्कना सेटल ने रिप्लाई किया बाय राइटिंग सम नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एम्प्रेस ऑफ मोरोको रिवाइज इन 1674 ये तो आपको पता ही है कि जब ड्राइडन ने एब्जलोम एंड एक्कीटोफेल का सेकेंड पार्ट लिखा था उस टाइम पर ड्राइडन ने अल्कना सैटल को एज अ डूक रिप्रेजेंट किया था और एल्कना सैटल को सटायराइज किया था और जब इन्होंने एब्जिलम एंड एक्कीटोफेल का सेकेंड पार्ट लिखा ड्राइडन ने उसी टाइम पर एल्काना सेटल ने इसके अगेंस्ट रिप्लाई किया बाय राइटिंग एब्जेलोम सीनियर और इसी का सब टाइटल है अकीटोफेल ट्रांसपोज इन 1682 ही प्रोड्यूस्ड दिस वर्क राइट ड्राइडन ने एब्जेलोम एंड एक्टोफेल का सेकेंड पार्ट लिखा जिसमें ड्राइडन ने अल्काना सेटल को एज़ अ डूअक रिप्रेजेंट किया तो फिर इसी का रिप्लाई देने के लिए एल्कना सेटल ने एब्जेलोम सीनियर और इसी का सब जो है एक्कीटोफल ट्रांसपोज इसको लिखा था अगेंस्ट ड्राइडन अदर वर्क कौन से रहे हैं एल्कना सेटल के उसके बारे में बात करते हैं लव एंड रिवेंच कंक्स्ट ऑफ चाइना बाय द टार्टर्स इब्राहिम द इलस्ट्रियस बासा नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ पॉप जॉन और नेरेटिव ऑफ द पॉपिश प्लॉट एयर ऑफ मोरोको अब आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि एयर ऑफ़ मोरोको एम्प्रेस ऑफ मोरोको का सेकेंड पार्ट है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है और इनका नेक्स्ट वर्क द एम्बिशस स्लेव फिर इन्होंने एक ओपरा भी लिखा था लेकिन जो इन्होंने ये ओपरा लिखा द वर्ल्ड इन द मून ये इन्होंने फ्रांसिस गॉडविन के वर्क से इंस्पायर होकर लिखा था तो फ्रांसिस गॉडविन का कौन सा वर्क था द मैन इन द मून और इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ओपरा लिखा द वर्ल्ड इन द मून तो टाइटल ऑलमोस्ट सेम है लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने टाइटल में वर्ल्ड और फ्रांसिस गॉडविन के टाइटल में मैन लिखा हुआ है फिर एल्कनाज आइटल का जो लास्ट प्ले है वो भी आपको याद रखना है द लेडीज़ ट्रायम्फ तो जितना मैंने अभी बताया ना इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है अल्कना सेटल के बारे में ठीक है ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जितना मैंने कराया उतना ही आएगा एग्जाम में चलिए आगे जॉन क्राउन के बारे में पढ़ते हैं जॉन क्राउन का लाइफ स्पैन रहा है 1640 फोर्टी टू सेवेंटीन इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत की बाय राइटिंग अ प्रोज रोमांस तो इन्होंने कौन सा प्रोज रोमांस लिखा था पैंडियोन एंड एम्फीजेनिया और इसी का सब टाइटल हिस्ट्री ऑफ द कोए लेडी ऑफ थलिया एंड ही प्रोड्यूसड दिस वर्क इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव इसके बाद इन्होंने सिक्सटीन सेवेंटी वन में एक रोमैंटिक प्ले लिखा और जिसका टाइटल था जुलियाना जुलियाना का एक और सब टाइटल है प्रिंसेस ऑफ पोलैंड सिक्सटीन सेवनटी सेवन में इन्होंने एक और वर्क लिखा द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरोसलम बाई टाइटस वेस्पैशियन सिक्सटीन एटी थ्री में इन्होंने एक पोलिटिकल प्ले लिखा सिटी पॉलिटिक्स Politics। 1685 में इन्होंने एक कॉमेडी लिखी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये इनका सर कर्टली नाइस और इसी का सब टाइटल है इट कैन नॉट बी तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कौन सी कॉमेडी लिखी थी 1685 में सर कर्टली नाइस और इसी का सब टाइटल कौन सा है इट कैन नॉट बी जॉन क्राउन ने 1671 में एक वर्क डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ रोचेस्टर जॉन विलमोट को तो वो वर्क कौन सा है ये आपको याद रखना है द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स द 8th ऑफ फ्रेंस अब ये वर्क जॉन विलमोट को बहुत पसंद आया तो जॉन विलमोट ने जॉन क्राउन को और वर्क लिखने के लिए एनकरेज किया तो जॉन विलमोट ने जब जॉन क्राउन को एनकरेज किया फॉर राइटिंग मोर एंड मोर वर्क सो ड्यू टू रोचेस्टर्स रिकमेंडेशन इन 1675 जॉन क्राउन रोड कैलिस्टो ठीक है तो जो इन्होंने ये वर्क लिखा कैलिस्टो ये किसकी रेकमेंडेशन पर लिखा था रोचेस्टर की रिकमेंडेशन पर लिखा था जॉन क्राउन के जो अदर इम्पोर्टेंट ट्रेजडीज़ हैं वो भी आपको याद रखनी हैं सिक्सटीन में इन्होंने लिखी कैलिगुला और 1681 में इन्होंने लिखी थी थाइस्टस जो कैलिगुला है ये एक तरीके का हीरोइक प्ले है और इन्होंने ब्लैंक वर्स में थाइस्टस को लिखा था इनकी जो फर्स्ट कॉमेडी थी ना जैसे कि अभी हमने इनकी एक कॉमेडी की बात की थी सर कॉर्टली नाइस और इसी का सब इट कैन नॉट बी इससे पहले इन्होंने अपनी कॉमेडी लिखी थी जो फर्स्ट कॉमेडी थी इनकी वो थी द कंट्री विट ये भी आपको याद रखना है तो ये आपको याद रखना है एक तो इसमें द कंट्री विट एंड इनकी जो सेकेंड कॉमेडी थी वो आपको याद रखनी है ठीक है और इनका जो फर्स्ट प्रोज रोमांस था ये आपको याद रखना है तो ये कुछ इनके वर्क है जो इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा आपको इससे इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में तो आज हमारा रेस्टोरेशन ट्रेजेडी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना वहाँ पर मैं क्यू एन ए सेशन करती रहती हूँ आप मुझे वहाँ पर डी एम करके अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने सजेशंस बता सकते हो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हो डिसाइड प्रियंका गोड आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग थैंक यू सो मच और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू